गाड़ी तुम्हारी। जा कहना चाहेंगे, ये बहुत परेशानी है निकलने से, बहुत लोग जामा गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट आ जाती है, परेशानी हो तो निकलने से पानी बहुत। कब से है जा सड़क? बहुत दिन हुई है, 4-6 साल है बीत चुकी है। ऐसी है, ऐसी है, पानी भरो रहा था जा सड़क पर, कईयों साल से बहुत परेशानी रहा थे, भर 6-12 मास इतना पानी भरो रहा थे, और रोज एक्सीडेंट होते, कोई गिरपत कोई कछु होते, ऐसे ही चली भरी जाती, कोई सुनवाई ना हो रही, कोई सुनवाई ना है, कब हम सुनाई भी रही। योगी की सरकार में वायदा किया था ये सड़कें कोई देख नहीं रहा है। तो कब से सड़क है ये ऐसी? 5-6 साल हो गई। तो क्या इसमें क्या परेशानी है? सब लोग गिरते हैं, लोग एक्सीडेंट होता है, सवारी गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं रोज, मोटरसाइकिलें। सूबे की सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन जनपद कासगंज में ये वादा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये सड़क ग्राम ताजपुर तिगरा से होती हुई फरखाबाद जनपद को जोड़ती है, जो कासगंज की एकमात्र ऐसी सड़क है जो फरखाबाद जनपद को जोड़ती है। यहाँ के निरंकुश अधिकारियों ने इस सड़क का यह हाल कर दिया है कि 12 महीने ये सड़क की दुर्दशा देखते ही बनती है। कहना गलत नहीं होगा कि कासगंज की सड़कों में गड्ढे नहीं, बल्कि पूरी कासगंज की सड़कें ही गड्ढों में हैं। देखना है कि सरकार और यहाँ के निरंकुश अधिकारी कब इस सड़क की ओर ध्यान देते हैं और इस सड़क का कायाकल्प होता है। कासगंज से ईटीवी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा।